हेलो दोस्तों, ये MI का 49 इंच का टीवी है। तो इसका प्रॉब्लम देखिए, स्क्रीन में पिक्चर फ्लिकरिंग करता हुआ दिखाई देता है, लेकिन पिक्चर क्लियर नहीं है। लाइनिंग आता है टीवी में। मैं अच्छे तरीके से ऑन करके दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे देखिए, लाइन देख सकते हैं आप, तो दिखाई नहीं देगा शायद। तो ये एंड्रॉइड है, थोड़ा ऑन होने में थोड़ा टाइम लेता है। तो ये देखिए, पिक्चर इस तरीके से बन रहा है। इसमें नीचे तरफ थोड़ा लाइनिंग और वर्टिकल बार, हॉरिजॉन्टल बार जैसा आ रहा है, और ऊपर साइड में थोड़ा दिखाई दे रहा है पिक्चर। तो इस तरीके का ये फॉल्ट है ये टीवी में। तो बीच बीच में फ्रीजिंग हो जा रहा है, मतलब सोचिए कि इसमें बहुत। ये देखिए, इसका मॉडल नंबर है, इसका मॉडल नंबर है L49M4M5AN। ये देखिए, इसका अंदर में मैं खोल के दिखा दे रहा हूँ। इसका अंदर भी इसका मॉडल नंबर लिखा हुआ है। तो ये देख सकते हैं, इसका पीएचडी कौन है, और ये मेन पीसीबी मदरबोर्ड। ये देखिए, इस तरीके से जो टिकॉन एक है, ये टिकॉन बोर्ड है। तो दोस्तों, जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ जाके मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं टीवी में क्या है। ये इसका स्केलर पीसीबी देख लीजिए, टिकन बोर्ड तो दिखाई दिया। ये देखिए फिर से अच्छा तरीके से देख लीजिए। चलिए वोल्टेज को चेक कर लेते हैं पहले। मीटर को मैं सेट कर लेता हूँ पहले। टीवी को ऑन कर लेते हैं। स्टैंड बाई रिलीज हो गया, अभी देख सकते हैं आप। तो चलिए वोल्टेज देख लेते हैं। VCC इन देखिए 12 वोल्ट का में प्रेजेंट है, और VCC यहाँ से सर्किट में आएगा तो 12 वोल्ट यहाँ में भी प्रेजेंट है। ये देखिए 1.8 वोल्ट ये भी बन चुका है। ये ABDD वोल्टेज देख लीजिए, और ये है VGH 28 वोल्ट ओके है, और ये देखिए VGL 5.1 समथिंग है, ये भी ओके है। ये देखिए HABDD 7.0 समथिंग वोल्ट है। तो वोल्टेज मेरा लगभग सारे सही है दोस्तों। तो यह मैं, चलिए ऑडिबेन कनेक्शन उसमें भी देख लेते हैं, ऑडिबेन कैसे आ रहा है। यहाँ पे ऑडिबेन कनेक्शन आएगा, टेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है ऑडिबेन का, देख लेते हैं। रुकिए, ये HABDD कनेक्शन, ये होगा VGL, ये VGL है, ये है ऑडिबेन का एक पॉइंट, जो VGL एक बार आएगा और एक बार VGH होगा,
फ्लिप फ्लॉप वोल्टेज भी बोलते हैं इसको, तो देख लीजिए ये है और अनदर ये पॉइंट ये है, ये दोनों पॉइंट यहाँ से हैं। तो बीजीएल बीजीएस सभी ओके है, ये देखिए ये है ऑड इवन का पॉइंट, तो इसमें बाकी सभी सब वोल्टेज बन रहे हैं। तो एक काम करते हैं, इसको हम एक साइड का कॉक को हटा के देखते हैं पिक्चर में कुछ डिफरेंट आता है कि नहीं आता है। तो एक साइड का हम कॉक का कनेक्शन डिसकनेक्ट करके देखेंगे क्या है इसमें, कैसा होता है टीवी का स्क्रीन में। तो इसका ये इस तरफ का मैंने हटा लिया, तो स्क्रीन में देखेंगे क्या है। टीवी को ऑन कर लेते पहले, स्टैंड बाय रिलीज होगा, स्टैंड बाय रिलीज हो गया। स्क्रीन देखते हैं क्या है, टीवी बहुत बड़ा है इसलिए उठाने में भी प्रॉब्लम होता है। ये देखिए एक साइड में तो वाइट आएगा ही, लेकिन ये साइड में पिक्चर आना चाहिए था लेकिन कुछ भी नहीं आ रहा है, ब्लैक दिखाई दे रहा है इसमें साइड में। जो वाइट वाइट साइड है इसी साइड में थोड़ा कुछ हरकत हो रहा है लेकिन पिक्चर बन नहीं रहा है कुछ भी। तो अभी दूसरा साइड को देखते हैं, दूसरा साइड को ओपन करके स्टैंड बाय रिलीज करते हैं। स्टैंड बाय रिलीज हो गया, देख सकते हैं सेम प्रॉब्लम है। इस तरफ का मैंने ओपन कर दिया, इस तरफ में काला आ रहा था और इस तरफ में वाइट आ रहा था, तो सेम दोनों तरफ का सेम ही प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, कोई पिक्चर नहीं बन रहा है, कुछ भी नहीं है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक काम करते हैं, चलिए इसमें हम लोग टैपिंग मेथड का यूज़ करेंगे। तो टैपिंग करके देखते हैं, इसमें यह करेंगे कि ये टेप से मैं पैनल पे जो वोल्टेज जाता है उसको थोड़ा ब्लॉक कर दूंगा, जाकि ताकि मेरा वोल्टेज जो पैनल पे अंदर ना जा सके। तो इस तरीके से पहले ये वाला कॉक पे यूज़ करके देखते हैं, अगर यह नहीं होगा तो दूसरा साइड पे भी करके देखेंगे। तो ये ट्रिक से अगर हो जाता है तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं तो और दूसरा देखना पड़ेगा हमको। इस साइड का रुक के देखते हैं पहले, दोस्तों मैंने ये साइड का जो टैपिंग किया था तो इसमें तो टीवी नहीं भाई ऐसा पिक्चर आ रहा था। इसमें दो तीन बार मैंने टेपिंग किया, टेपिंग करने के बाद में जहाँ जाकर सही हुआ है वहाँ से मैं फिर आपको दिखाता हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगा है हमको। जहाँ से मेरा टीवी बन गया तो मैं प्रॉपर वहाँ आपको दिखा देता हूँ, और टीवी कैसे बना उसको आपको अच्छा से दिखाता हूँ। पहले इस तरफ से किया था, अभी हमने उस तरफ का टेपिंग किया और अभी स्टैंड बाय रिलीज करके देखते हैं पिक्चर कैसा आता है। देख सकते हैं MI लिखा आ गया। देख सकते हैं पिक्चर
और अभी बिल्कुल साफ है। पिक्चर बिल्कुल क्लियर है जितना तक मुझे दिखाई दे रहा है, तो पिक्चर में अभी कोई प्रॉब्लम नहीं, पूरा बिल्कुल सही हो गया टीवी, देख सकते हैं आप। कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरा ओके हो गया टीवी। तो चलिए दिखाते हैं कहाँ टेपिंग किया हमने। ये जो टेपिंग देख रहे हैं यहाँ पे हमने किया, जो यहाँ में यहाँ पे VGL लाइन पे मैंने टेपिंग कर दिया, जो VGL लाइन यहाँ में आ रहा था VGS, और ये जगह पे 3-4 लाइन होगा शायद, जिसको टेपिंग करने के बाद पिक्चर सही हो चुका है। देख सकते हैं कहाँ टीवी हुआ है। टीवी ऑन करने के बाद आपको एक बार दिखा देते हैं, तो मेरा ही चैनल को मैंने ओपन कर लिया, उसमें देख सकते हैं पिक्चर बहुत बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको बाहर का नॉइज़ बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप लोगों से मैं क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि मेरा रोड का पास ही मेरा दुकान है, इसलिए बाहर का साउंड तो आता ही है, और जब भी मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ तो बाहर का साउंड आ ही जाता है। तो दोस्तों आज का वीडियो तो इतना तक ही है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, अगर नया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और हो सके तो शेयर कर दीजिए मेरे वीडियो को। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। जय हिंद दोस्तों।